ये कौन है? हाँ यही मारा है, यही मारा है, ये पंखा मारा था ना, ये पंखा मारा है। पंखा मारा खींच के, ये वाला। ये है संजीत एंटी वाइब, ये वाली, ये वो रही थी रेड सॉल वाली। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सब नहीं है। अच्छा एक नंबर बंद हुआ है, मेरे को लगा कि पूरा पूरा बंद कर दिया। अरे जीने तो नहीं हुआ यार, बाकी तो चुप रहे नहीं ज़्यादा। हाँ 2 दिसंबर को आपके साथ अमित जी एक घटना हुई थी, उसमें क्या हुआ? उसमें जी मैं खड़ा हुआ था अपने घर पे, फ्लैट में रहता हूँ जी, रिसेप्शन में खड़ा था, लिफ्ट का वेट कर रहा था। तो ये पवनदीप चौधरी, संजीव जैन और ये जय प्रताप सिंह और रामचंद्र राणा, ये 3-4 लोग आए, और जिसमें कि रामचंद्र राणा और जय प्रताप शुरू में ऊपर चले गए थे, लेकिन बाकी पवनदीप चौधरी और संजीव जैन नीचे आए, मुझसे भैया लड़ाई झगड़ा करने लगे और मारपीट करी। इसके बाद में ये लोग वहाँ से चले गए थोड़े बहुत मारपीट करके। उसके बाद में पवनदीप चौधरी के फादर, पवन चौधरी का भाई और पवन चौधरी की माँ, भाभी उसकी, उसकी बीवी और एक कोई अज्ञात व्यक्ति था, साथ में संजीव जैन और जय प्रताप, ये सारे लोग मिलकर एक साथ आए, जिनमें सबके हाथ में चाकू, सरिया और वो डंडे और रॉड वगैरह लगे हुए थे, जिससे उन्होंने मेरे सिर पे और बॉडी पे मल्टीपल वार करें और जिसमें काफ़ी हेड इंजरी भी हुई है। और इसकी माँ और भाभीियों ने मेरी आंख में उंगली घुसाई है, जिसकी वजह से मेरे लेंस डिस्टर्ब हुआ है। इसकी रिपोर्ट भी SM हॉस्पिटल की मेडिकल कॉलेज की लगी हुई है। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है, पुलिस ने, ये लोग खुले घूम रहे हैं और इवन इसके फैमिली वाले इन सब लोग ये को धमकी और दे रहे हैं, हम घर वालों को मेरे, कि हम लोगों को हल्के में समझना, हम लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और खुले घूम रहे हैं, पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है इनका। SSP साहब से आपने मुलाकात? SSP साहब से फोन किया था, मतलब मुलाकात हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने इन लोगों से कहा भी था कि इसमें साफ इतना बड़ा घाव है सिर में, तो इसमें आप लोगों ने तो उठाया क्यों नहीं है, तो वो बार बार ये बोल देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट नहीं आई है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आती रहेगी, आप पहले इन लोगों को उठाइए। उसके बाद भी जो हरीश चौधरी जी हैं जो आई हुए हैं इसके, ये जो भी है, उन्होंने पुलिस ने मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, लोग खुले घूम रहे हैं और मेरे सामने मुझे कमेंट और पास करके जाते हैं। आज SSP साहब से मुलाकात हुई थी? नहीं, गया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई आज। क्या चाहते हैं आप, क्या होना जो चाहिए? जो लीगल एक्शन होता है वो तो ले पुलिस, पुलिस तो कुछ कर ही नहीं रही है कुछ भी, बस हमारे सामने आके बैठ के मीठी मीठी बातें करती है कि हाँ करेंगे करेंगे। अगर मेरा मेडिकल डॉक्टर्स नहीं दे रहे, इवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक में लोग मेरा मेडिकल देने को तैयार नहीं है। तो क्या क्या कारण मानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्यों नहीं आ पा रही अभी तक? मैं अगर साफ बोलूं, थोड़े ऊंची पहुंच वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी सोच लगा रखी है सब जगह पर, पुलिस में भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, सब जगह जा जाके।